हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी को लेटर के बारे में बताने जा रहे हैं कि लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अगर उनमें से हमें लिखना है तो कैसे हम लिखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हम पहले जो एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लेटर के बारे में बात बताएंगे या करेंगे, यानी कि पत्र लेखन के बारे में। ठीक है, जो पत्र लेखन वो होता है बच्चा, वो हमारे दो प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चा आपका है औपचारिक पत्र लेखन होता है, औपचारिक पत्र होता है, और एक होता है बच्चा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, यानी कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक मीन्स इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, जो औपचारिक पत्र होते हैं वो आप जो है जो भी कार्यालय होते हैं वहां में आप जो है भेज सकते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो आप अपने सगे संबंधी मित्रों को जो है आप लिखते हैं। ठीक है, अनौपचारिक पत्र ध्यान रखिएगा, आप अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं। जो भी औपचारिक पत्र होते हैं वो आपके प्रोफेशनली होते हैं। ठीक है, जिन यहाँ पर भी आपको प्रोफेशनली तरीके से पेश आना होता है, अपनी बात कहनी होती है, वहां पर आप औपचारिक पत्र का लिखेंगे। तो आज हम औपचारिक पत्र लेखन में लिखित लिखते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं यहाँ पे औपचारिक पत्र लेखन। एक हम कॉलेज के में जो है बात कर लेते हैं कि कॉलेज में जो है प्रार्थना पत्र हमको देना है, जैसे कि प्रिंसिपल के नाम का। तो हम क्या करेंगे बच्चा, जो है सेवा में लिखेंगे, सेवा में जब प्रिंसिपल को देना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चा श्री। किसको देना है हमको, प्रिंसिपल जी को देना है तो श्रीमान प्रधाना चार्य जी। ठीक है ना, श्रीमान प्रधानाचार्य जी हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर इंटर कॉलेज तक है तो हम प्रधानाचार्य जी लिखेंगे, या डिग्री कॉलेज की हम बात करेंगे तो वहां पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, प्राचार्य जी लिखेंगे। वहां पे हम क्या लिखेंगे, केवल और केवल प्राचार्य जी लिखते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जो वर्ड है प्रधानाचार्य, ये हमारा इंटर कॉलेज तक के लिए चलता है, जो प्राचार्य ये हमारा महाविद्यालयों में चलता है। ठीक है, चलिए हम कॉलेज का नाम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, दे दिया हमने यहाँ पे कोई भी कॉलेज का नाम, न्यू ग्रेस पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये यहाँ पे पब्लिक स्कूल, इसलिए इसको हम हटा देते हैं और चार बार लखनऊ कर देता हूँ मैं, चार बार लखनऊ आपका हो जाता है। ठीक है, चार बार क्या हो गया बच्चा आपका, लखनऊ हो गया। ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम संबोधन का यूज करें, इसमें हम विषय भी लिखेंगे। यहाँ पे किस विषय पे हम दे रहे हैं, यहाँ पे तो हम जो है यहाँ पे विषय का यूज करेंगे बच्चा। विषय हमने दे दिया पीने के पानी, पीने के पानी की उपलब्धता के संबंध, उपलब्धता के संबंध में। ठीक है, यानी पीने के पानी की उपलब्धता के संबंध में कराना। अब यहाँ पे हम क्या देंगे बच्चा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम दे देंगे महोदय सब। ठीक है, महोदय का यूज करेंगे, चाहे अगर हम जिलाधिकारी को भी भेज रहे हैं तभी हम महोदय का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, हमारा संबोधन हो जाएगा महोदय। ठीक है, अब हम इसी के नीचे लिखेंगे निवेदन, प्रार्थना विजय कुमार छात्र है, जो जो जो
नहीं है। और यदि नहीं तो वह क्या नहीं है बच्चा? स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, जिसके चलते पानी की स्कूल में समस्या उत्पन्न ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा, जिसके चलते स्कूल में पीने के पानी की समस्या हो रही है तथा गंदा पानी पीने से कई छात्र बीमार भी हो रहे हैं। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि स्कूल में स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करने की महान। अब इतना लिखने के बाद आप अपने बारे में भी यहाँ पे लिखेंगे, राइट साइड में सीधा यहाँ पे राइट साइड में जाएंगे, लिखेंगे आपका आज्ञाकारी ठीक है कुमार। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें स्पेसिंग कम कर देते हैं, पूरी तरह से स्पेसिंग इसमें हटा देते हैं, इसको सेंटर में ले आते हैं, फिर गैप का यूज करेंगे हम साइड में ले जाने, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इनमें स्पेस कम कर देंगे, पूरी तरह से स्पेस हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसमें हम स्पेस को थोड़ा सा क्या करेंगे बच्चा, बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको हमने स्पेस थोड़ा सा बढ़ा, इसको हम बोल्ड कर देंगे और अपने सब्जेक्ट को भी बोल्ड कर देंगे, तो इसको अंडरलाइन हम कर देंगे। अब आप देख देंगे पूरी तरह से बन गया, अभी कुछ बचा, इसका जो अलाइन कर देंगे ये रहा यहाँ पर, हमने इसको जस्टिफाई अलाइन कर दिए इस प्रकार से, ठीक है। ये एक प्रकार का एक फॉर्मल लेटर बन जाता है, और यहीं पे हम यहाँ पे एक इंटर करके या साइड में दे देते हैं जा करके, क्या डेट दे देंगे यहीं पे हम, दिनांक लिख देंगे आज का, जिसमें कितना 25 5 2 3, ठीक है, ये दिनांक हो गया। ये पूरा लिख करके हमने एक प्रकार का एक औपचारिक लेटर यहाँ पे तैयार हो गया, लिखेगा ठीक है। ये पूरा जो है एक औपचारिक लेटर अच्छे से तैयार हो चुका है, ठीक है। ये आप जा करके दे सकते हैं अपने प्रिंसिपल को, ठीक है। ये देखिए यहीं पे अगर आपको ये लेटर जिलाधिकारी महोदय को भेजना है, सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, जो भी विषय होगा उस विषय को लिख दीजिएगा यहाँ पे, और जो भी आपकी बातें हो वो बातें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। जब यहाँ पे जाएंगे आपका आज्ञाकारी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जो प्रार्थी लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रार्थी लिखेंगे, प्रार्थी लिख के आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। ये था एक औपचारिक लेटर का, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे अनौपचारिक लेटर कैसे लिखते हैं, जो अपने सगे संबंधियों में लिखा जाता है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।